अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे वेलकम टू माई चैनल फ्रेग्रेंस रिव्यूज़ पाकिस्तान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और फ्रेगरेंस के बारे में लास्ट टाइम मैंने जिस फ्रेगरेंस के बारे में बात किया उसी फ्रेगरेंस हाउस का एक और फ्लैंकर है लास्ट टाइम हमने बात की थी अरमाफ़ का ओडिसी मेगा जो लिमिटेड एडिशन था और लिमिटेड एडिशन लाइनअप है लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अरमाफ़ ने लॉन्च की सीरीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था अरमाफ बेसिकली जाना जाता है ये क्लोन्स बनाते हैं डिफरेंट फ्रेगरेंसेज के जो डिफरेंट नीच हाउसेस हैं उनके ये क्लोन्स बनाते हैं तो आज हम अरमाफ के ही उसी लाइनअप के एक और फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे और आज हम जिस फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे ये है अरमाफ और डेसे स्काई अरमाफ और डेसे स्काई गेंद ऑडी परफ्यूम कंसनट्रेशन है और लिमिटेड एडिशन ये इन्होंने सीरीज निकाली है अगेन द स्टाइल ऑफ द बॉटल सेम कॉफ़ी कंटेनर टी कंटेनर जो हॉट कंटेनर होते हैं उसी तरह अगेन लेदर पाउच है बॉटल के उसके अंदर बॉटल है जो मेगा की बॉटल थी वो तो सी थ्रू बॉटल थी उसके अंदर आप जूस देख सकते थे बट ये सी थ्रू बॉटल नहीं है बॉटल के नीचे कुछ भी नहीं है कैप के ऊपर माफ़ है और अगेन कैप उसी तरह पूरा का पूरा आ, उतरने वाला कैप है अगेन स्प्रेयर के ऊपर जो है वो अरमाफ एनग्रेवड है स्प्रेयर के ऊपर अरमाफ एनग्रेवड है और स्प्रेयर की भी वही क्वालिटी है ओबियसली जो बॉटल सेम है तो ये जो लेदर पाउच है ये डिटैचबल पाउच है और ये इसके अंदर ये आगे इसका वो नाम एनग्रेव्ड है और नीचे इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ बैच कोड वगैरह और मेड इन फ्रांस और बेस्ट बिफोर एक्सपायरी डेट वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है ओके जी 2021 की लॉन्च है अगेन लिमिटेड एडिशन है नोट्स के बारे में अगर इसके बारे में नोट्स की बात करूँ तो सेज है इसमें मैंडिन है औरेंज है कैरमल है टोंका बीन है वैटिवर एम्ब्रॉक्सन ये सारे जो है ना इसके नोट्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरमाफ जो है ना वो क्लोन्स बनाने के लिए मशहूर है या इनकी जितनी भी फ्रेगरेंस होती हैं वो किसी ना किसी फ्रेगरेंस का क्लोन होती है तो ये जो स्मेल करने के बाद मुझे दो तीन परफ्यूम्स जो है ना वो जेन में आए एक तो जॉन पॉल गोल्ट जॉन पॉल गोल्टर का स्कैंडल स्कैंडल होमे है उसकी फ्रेगरेंस आ रही है काफ़ी ज़्यादा रिजम्बलेंस उसके साथ है कुछ कुछ वाइब जो है ना ये आपको वाई एस एल वाई डी पी की भी देता है बिकॉज ऑफ द नोट ऑफ एम्ब्रॉक्सन और कुछ कुछ वाइब जो है ना ये आपको ज़ारो वॉन्टेड बाई नाइट की भी देता है अगेन ये जो है ना अपने जो इसके फीचर्स हैं वो चेंज करता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इसको जो एक्सपीरियंस किया है जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता जाता है ये अपने फीचर्स चेंज करता जाता है और डिफरेंट वाइब्स आपको ये दे रहा है बहुत ही वाइब्रेंट किस्म की फ्रेगरेंस है बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म की फ्रेगरेंस है मैंड्रिन का जो इसमें काम है वो सिट्रसनेस मैंड्रिन ऑरेंज का जो काम है वो इसमें थोड़ी सी सिट्रसनेस citrus, को डेवलप करना है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग किस्म की जो सिट्रसनेस है वो इसके अंदर नहीं है जो थोड़ा बहुत आपको सिट्रस फील भी आता है ना वो शुरू के पाँच एक मिनट तक आता है उसके बाद बड़ा अच्छा जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा स्वीटनेस इसके अंदर आ जाती है और ज़्यादा जो नोट इसके अंदर आपको फील होता है ना वो कैरामल का टोंका का और साथ वुडी सा नोट जो है ना वो लेकिन उसके सारी चीजों के ऊपर जो है ना वो कैराम हावी हुआ हुआ बहुत ही अच्छा ब्लेंड देता है बहुत ही जबरदस्त फ्रेगरेंस है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये भी मैं आपको कहूँ कि वेलमिंग किस्म की फ्रेगरेंस है मुझे तो बेसिकली पसंद आई है ब्लू कलर डिपेक्ट के इसके अंदर फ्रेशनेस होगी लेकिन ब्लू कलर का इसके अंदर वाकई ही कोई काम नहीं है आ, बिल्कुल भी आप ये अगर समझे कि ये फ्रेश फ्रेगरेंस है तो ये फ्रेश फ्रेगरेंस नहीं है और आ, पूरे दिन में आप किसी भी टाइम पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको आप डे में यूज़ करें नाइट में परफॉर्म नहीं करेगा नाइट में यूज़ करें डे में परफॉर्म नहीं करेगा यू कैन वियर इट एनी टाइम एनी डे एनी ओकेजन ऑफिस में यूज़ करना है क्लबिंग में यूज़ करना है पार्टीज में यूज़ करना है आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ करना है आपने इवन जिम में अगर आपने यूज करना है तो आप जिम में भी इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है और सियाज भी इसका अच्छा है लास्टिंग भी इसकी ठीक है ऑलमोस्ट एट तो टू टेन आवर्स की इसकी लास्टिंग है और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करता है ऑलमोस्ट फोर टू फाइव आवर्स तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है अगेन प्राइस सेम प्राइस है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज आपको मार्केट में मिल जाएगा हो सकता है कहीं से फोर थाउजेंड का भी मिल जाए हो सकता है कहीं से फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का भी मिले ई डी पी इसकी कंसल्ट्रेशन है ऑर्डर परफॉर्म और uh, मुझे तो इनकी बॉटल का डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा स्प्रेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ये कि अगेन इस प्राइस में फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्राइस ब्रैकेट भी आप देखा करें फ्रेगरेंस के साथ भाई कि प्राइस ब्रैकेट क्या है मैं किस प्राइस रेंज में ले रहा हूँ और उस प्राइस रेंज में इसकी परफॉर्मेंस बहुत गुड है आई शल रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस फ्रेगरेंस और आप इसको लाजमी इन शाह तंजॉय करेंगे आ, बिल्कुल अभी मैंने इसका एक फ्लैंकर और ऑर्डर किया हुआ है पोरम ब्लैक एडिशन जो है वो मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ है और वो भी मैंने टेस्टर बॉटल उसकी चेक की थी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है तो वो इन शाला मेरे पास आएगा तो ज़रूर हम उसको भी रिव्यू करेंगे आ, ना आया तो फिर उसको बाद में रिव्यू कर लेंगे तो इस फ्रेगरेंस के साथ इतना ही Uh, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को प्रेस करें और uh, कुछ भी हो आप कुछ मुझे बताना चाहते हो uh, या कुछ मेरे से पूछना चाहते हो uh, देखें मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ uh, परफ्यूम को यूज़ करने के बाद तो हो सकता है उसमें मेरा एक्सपीरियंस कुछ और हो आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया करें ताकि हो सकता है मुझे कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें इसके साथ इतना ही थैंक यू इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फ्रेग्रेंस के साथ अपना खा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़